नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। निक्की देवी, हम सीतारामपुर से आते हैं। हमेशा हम यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। जो भी मांगे सब पूरा हो गया है। हर शिवरात्रि पर हम यहीं आते पूजा करने के लिए। चलिए, हाँ, हमारा ये भोले बाबा बहुत ही दयालु है, सबकी बात सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूरा करता है। आप? जो भी अपने तन मन से चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम राहुल बड़ा, सीतारामपुर। हम महाराजाधिराज डॉक्टर सदाशिव त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य हैं। राम जानकी शिव मंदिर की देख रेख या इसकी सानिध्यता हमारे ही, माने क्या बोलते हैं, सानिध्यता से चल रही है, लोगों का प्यार से चल रहा है। हाँ, यही हमारा परिचय है। और इस गांव का नाम जो है उदयगढ़ सीतारामपुर लोको है। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप आएं और हमारे मंदिर की शोभा बढ़ाएं। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। आज आप लोगों का क्या कार्यक्रम है? देखिए, हमारे यहाँ जो है महाशिवरात्रि का व्रत है और ये 1972 से क्रमशः हमारे यहाँ प्रोग्राम होते आ रहा है। और यह बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की मतलब विधिवत व्यवस्था यह है कि यहाँ जो भी मनोकामना पूर्ण हो लेके नर नारी आते हैं, जो भी भगवान से यहाँ आराधना करते हैं, सबों की मनोरथ यहाँ हमारे महाकाल भोलेनाथ पूरा करते हैं। आज का प्रोग्राम जो है महाशिवरात्रि व्रत है। 4:30 बजे जो है, 4:30 बजे संध्या में बारात प्रस्थान नगर परिक्रमा होगी। नगर परिक्रमा के बाद पुनः फिर मंदिर पर जो है बारात लोग सब आएंगे। हाँ, प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद जो है रात्रि में फिर रुद्राभिषेक होगी। रुद्राभिषेक के बाद पुनः जो है शिव विवाह की आयोजन किया जाएगा। आपने कहा कि 1972 में आपने जब स्टार्ट किया था, उस वक्त स्टार्टिंग में कितने लोग शामिल हुए थे? उस समय तो यहाँ के लोगों का बड़ा चर्चित लोग सब थे, लोगों बड़ा जागरूक था। और यहाँ सारे लोग, रेलवे का जितने भी कर्मचारी लोग थे, उनके माध्यम से जो है यह मंदिर का निर्माण भी किया गया। और उनके सानिध्य से जो भी भोग प्रसाद बनता था लोगों में वितरण की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे जो है प्रोग्राम भी बढ़ता गया। और आज तो मैं समझता हूँ कि लगभग करीब करीब 30 साल से कर्मशः किसी से कोई तरह की चंदा वगैरह वगैरह हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। जिनको जो श्रद्धालु की जो इच्छा होती है वही अपना योगदान यहाँ करते हैं। और उसी के योगदान से जो है हम लोग इतने बड़े आयोजन का, प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। लगभग यहाँ कर्मशः मान के चलिए कि ये 4 दिन के प्रोग्राम में 20 से 25 हज़ार आदमी का आयोजन होता है। और सब यहाँ खिचड़ी प्रसाद भोग लगता है। भोग हमारे जो है चैतन्य मठ जो है बोगड़ा चट्टी से, चैतन्य महाप्रभु के दरबार में जो है वहाँ से भोग आते हैं, ब्रह्मचारी आते हैं, यहाँ भोग लगता है। और गोविंद शुद्ध विशुद्ध गोविंद भोग और मूंग की दाल का जो है खिचड़ी प्रसाद बनता है और उसी प्रसाद को यहाँ भोग लगता है। और वही भोग जो है संपूर्ण यहाँ प्राणियों में जो है लोगों में वितरण किया जाता है। आपने कहा कि यहाँ पे जो मनोकामना, जो भी चीज मांगी जाती है पूरी होती है, ऐसा कोई एग्जांपल है? बहुत सारे एग्जांपल है पूरे संसार में। कुछ शेयर कर दो। मतलब यहाँ से तो ऐसे ऐसे मतलब प्रोग्राम में ऐसे ऐसा अद्भुत मतलब जो है चमत्कार हुआ है जो हमारे समझ से भी ये बाहर है। जिन्होंने पुत्र कहा कि भाई पुत्र नहीं है, आज आप कुमार डूबी चले जाइए, बाबू रणवीर सिंह देखिए उनको आज 12 साल से संतान की योग नहीं था, सारे तमाम भारतभर सारे डॉक्टर उनको जवाब दे दिया, उन्होंने यहाँ मनोकामना किया, हमने कहा जा तुम्हें एक पुत्र नहीं 2 पुत्र होगा और उनको 2 पुत्र हुआ। एक जो है आपका कांति बौरी बोल करके जो है बीसरगढ़ में, वो ECL के कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुझे 18 साल से संतान नहीं हुआ, आज भगवान के दया से उनको भी जुड़वा बच्चा, 2 संतान है जो आपके व्हाट्सएप पे या वीडियो में आप देख सकते हैं। तीसरी बात यह रही कि बहुत सारे ऐसे कैंसर के पेशेंट थे जिन्होंने कहा कि अब हम बचेंगे नहीं, आज ईश्वर के आशीर्वाद से देखिए कि वो अभी आज बचे हुए हैं और उस कैंसर कहाँ चला गया। हाँ,
बहुत सारी माने अनगिनत समस्याएं हैं। अगर मान लिया जाए, अगर इसकी चर्चा हमारी होती तो आज विश्व में, ये भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो कनाडा हो, यूएसए का हो। रिसेंटली आज 4 दिन पहले 2 मने वहाँ आए, प्लस जो देखिए वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट मुरारका साहब थे, डॉक्टर साहब, साहब सुंदर मुरारका, उनकी बच्ची का भी मैंने काम किया, उतने बड़े डॉक्टर थे और बच्ची आज स्वस्थ है। आज हमारे आर एल सर DRM साहब भी थे, उनके यहाँ भी जो है हम लोग प्रोग्राम किया, उनके भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम थी। मैंने ये क्रमशः कितना है ये मुझे अपने रजिस्टर्ड में याद नहीं है, और मैं इसको जो है पेशेवर तरीका से काम नहीं करता हूँ, ये मेरा धंधा नहीं चलाता हूँ, ये भगवान की कृपा है, माता रानी की कृपा है और इस मंदिर की कृपा है जो यहाँ अपना कामना लेके आते हैं। माँ और भोलेनाथ उसकी मनोरथ पूर्ण करते हैं। आपको हम लोग देख रहे हैं कि आप एक मिशन लेके काम करते हैं और हाँ। समाज के सब जन को आप जोड़ते हैं। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, इसके बाद फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में हमारा भी प्लानिंग है कि इस एरिया के अंतर्गत जितने भी वयोवृद्ध हैं, जितने भी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, ये नहीं कि हाँ सिर्फ हमारे हिंदू धर्म से ही हम अपने आप को मर्यादित समझ रहा हूँ, वो इस्लाम हो, क्रिश्चन हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, मैं जो भी हमारे यहाँ आते हैं, ये मैं यहाँ लगभग करीब करीब 1 साल में 5 से 6 बार यहाँ प्रोग्राम में करता हूँ, और उस प्रोग्राम में बहुत सारा किया है जिसकी शादी नहीं हुई, शिष्यों की सानिध्यता से मैं उस बच्ची के लिए शादी विवाह का योग करवाता हूँ। लोग बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनके माता पिता उनके योग्य नहीं हैं, उनको मदद नहीं मिल रही है, किसी भी वर्ग के लोग हैं वो आते हैं। अभी भी रिसेंटली देखिए हमारे खान साहब बेचारे जो है प्रोस्टेट से परेशान है, वो तो मैंने सोचिए कि हमारे पिता तुल्य हैं और वहाँ में पुत्र ही बोलते हैं। तो मैं आज कितने वर्षों से किया, कितने इस्लाम की बच्चियाँ की शादी नहीं हुई, चाहे वो कुमारडुबी का हो या धनबाद का हो या जामताड़ा का हो, बहुत तरह की क्रिया है जो कि मैं यहाँ सोशल वर्कर के माध्यम से मैं जो है यहाँ तक भी ये कार्य कर रहा हूँ। पठन पाठन में अब किसी की इलाज है जो बेइलाज हो गए हैं, अब उनको कोई मदद करने वाला नहीं है, वो आते हैं, उनको भी मदद करता हूँ। कोई बच्चियाँ की शादी नहीं हुई, वो बहुत लाचार हैं, उनको भी मैं मदद करता हूँ। अब किसी का घर टूट गया, किसी के पाँव टूट गया, किसी का कुछ करवाना है, मैं उसके लिए भी मदद करता हूँ। अब ये ठंडा आ गया, कंबल नहीं है, तो 200-500 गरीबों में कंबल भी बंटवा देता हूँ। कुछ आयोजन दुर्गा पूजा का होता है, बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं जिनको वस्त्र नहीं मिलता है, उनको मैं 100-200-500 साड़ियाँ बंटवा देता हूँ। इन दिनों का हम लोग बात करें, कहा जा रहा है कि हम लोग सोशल मीडिया युग में आ गए हैं, क्या यह है कि ये लोग जो है इसमें बहुत सारी बातें हैं कि आज के बच्चे लोग जो है ये पश्चिमी संस्कार में परिवर्तित होते जा रहे हैं, और हमारे सोशल मीडिया में भी बहुत सारा ऐसे दुष्प्रचार आ गया है जिसका कि वो बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, समझ गया ना। और वो बुरा प्रभाव पड़ने के कारण जो है हमारे घर की जो वातावरण है, हमारे समाज की जो वातावरण है, जो आज बच्चों को हम लोग दादा का प्यार, दादी का प्यार, माँ का प्यार, बहन का प्यार, भाई का प्यार, समाज का प्यार, उसको नहीं मिलता है। 2 साल के बच्चे हैं उनको स्कूल में डाल दिया जाता है बोर्डिंग में, वो 22 साल में निकलते हैं, सिर्फ मम और डैड को पहचानते हैं, बाकी समाज में कौन हमारे बड़े हैं, कौन छोटे हैं, कौन सा क्या रिलेशन है, क्या उनमें हमको उसको दिव्य ज्ञान देना है, क्या उनको जो है सामाजिक परिवेश देना है, क्या शिष्टाचार हमारे समाज का देना है, ये सब सारी चीज़ लुप्त हो गई है। इस लुप्त हो जाने के कारण उस बच्चों में सिर्फ एक आक्रोश की भावना रहती है। अच्छा, प्रश्न लिया है कि मेन हमारे जनरेशन का जो प्रथा है, इस प्रथा में सबसे बड़ी प्रथा क्या है कि हमारा जो आहार है वो बिल्कुल हमारे बदल गया है। मेन संसार में हमारे बच्चों में या हमारे घर में या हमारे परिवार में पहले जो है विशुद्ध आहार मिलता था, वो आहार में इतनी मिलावटें आ गई है, इतनी बीमारियां फैल गई है, उससे भी लोग जो है अपने बदल गए हैं। और बदले अब है कि लोगों में एक बदले की भावना आ गया है कि चलो भाई खान साहब कुछ काम कर रहे हैं, गणेश पंडित जी काम कर रहे हैं, अशोक बाबू गोपालिका साहब कुछ काम कर रहे हैं, इधर कोई जो है पंडित जी काम कर रहे हैं, तो उस काम को मैं भी करूँगा, वो जाने या ना जाने, लेकिन उसके पीछे वो लग जाते हैं। तो ये जो वैमनस्यता की भावना है, द्वेषता की भावना जो हमारे यहाँ पनप रही है, इसका मेन कारण है कि हम बच्चों को अच्छा संस्कार बचपन से ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि समय का इतना अभाव हो गया लोगों में, एक ही चीज़ आ गया है दिमाग में, मुझे पैसा अर्जन करना है। अरे पैसा से आप क्या कर सकते हो, हमारे पास तो कुछ भी पैसा नहीं था। एक हमारे फादर थे, एक मामूली पंडित थे, हैं, उस समय उनके पास पैसा भी नहीं था, कितनी संघर्ष किया हम लोग अपने लाइफ में, लेकिन कभी भी अपने गार्जियन से हम लोग बाहर नहीं होते थे, उन्होंने कह दिया कि यहाँ खड़ा हो जाओ, दिन भर खड़ा हो जाते थे। ऐसी समस्या भी आई है कि बिजली के पोल के नीचे भी मैं पढ़ा हूँ, परीक्षा दिया हूँ। ऐसा सही ज्ञान देता है लोगों को, समाज में जीने का एक रहस्य देता है, उत्सुकता बढ़ती है, मानवता का कल्याण का विशेष ज्ञान उसमें बढ़ता है,
ऐसी भावना अगर हमारे समाज में, हमारे बच्चों में, हमारे नौजवान में अगर आ जाए, हमारे परिवार में आ जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि भारतवर्ष में कोई दुखी रहेगा। और इस तरह की जो विसंगतियाँ आज भारतवर्ष में फैली है, ये क्रमशः मिट जाएगा। आज जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कहा जा रहा है बहुत एजुकेटेड हो गए, बहुत सिविलाइज हो गए हैं, लेकिन इन दिनों देख रहे हैं ओल्ड एज होम, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं अपने माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं, और ओल्ड एज होम का जो आपका तादाद है वो डे बाई डे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये कुछ हमारे गार्जियन का भी दोष बनता है। दोष क्या बनता है, हमारे संस्कृत में एक श्लोक है कि पंच वर्षाणि लाड़िए दस वर्षाणि ताड़िए खोरसुम वर्षम जायत पुत्र मित्रम भवेत। आप 5 साल के अंतर्गत बच्चों को प्यार नहीं दिया, 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, समाज की शिक्षा नहीं दी, परिवार का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, समाज का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो क्या होगा? और 16 वर्ष के बाद अगर बच्चों को आपने मित्र नहीं बनाया तो बच्चे क्या होंगे? उदंड हो जाएंगे। ये हमारी सामाजिक परंपरा, हमारे वैदिक ज्ञान है, वैदिक रीति रिवाज के अंतर्गत अगर हम लोग संस्कार में आए, तो मैं समझता हूँ कि यही तो एक संसार था, यही हमारे भारतवर्ष की भूमि है, जहाँ की मिट्टी को भी तिलक लगा के लोग आनंदित हो जाते हैं। ये परंपरा, ये हमारे सारे समाज का प्रेम क्यों मिट रहा है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि बूढ़े माँ बाप को हमने क्यों दे देते हैं, ये हमारी दोष है, हमारे बच्चों में, हमारे जो है ये DNA में दोष हो गया है। दोष होने का खास कारण है, अरे तुमने जब भगवान, तो ये मंदिर में आने से तुमको क्या फायदा है, ये शिव जी की जल चढ़ाने से तुमको क्या फायदा है, राम जी को दुलार करने से क्या फायदा है, हरे राम हरे कृष्ण जपने से तुम्हारे क्या फायदा है? जिसने जो ब्रह्म है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता जो है वह देवता के समान तुल्य होते हैं, जब उनकी आपने सेवा नहीं कर सका तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, नरक हो जाएगा, और ये पुनः परिवर्तित होता है, यह रिटर्न आपको मिलेगा। आपने अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं किया तो संसार की किसी भी चीज़ की आपने पूजा कर लो, वह पूजा तुम्हारा सार्थक जीवन में नहीं हो सकता है, ये मेरा वेद प्रमाण है। चलिए अब हम शिवरात्रि पे बात करते हैं, ये तो बहुत ही आपका बहुत अच्छा दिन है, इस दिन पर लोग क्या करना चाहिए, उनकी मनोकामनाएं? देखिए, मैंने स्कंद पुराण में स्पष्ट बनता है कि शिव की महिमा जो है, शिव ही संसार है, स्वयं भू। शिव क्या है? स्वयं भू है। स्वयं भू मतलब क्या हो गए? सारे प्राणियों का, सारे जीव का, पृथ्वी का, सारे मजहब का अगर देवता है तो वह स्वयं शिव ही है। चाहे आप मदीना चले जाएं इस्लाम में, वहां भी देखिए शिव बैठे हुए हैं, हैं? ईसाइयों में चले जाएं, वहां भी देखिए शिव बैठे हुए हैं, हैं? जंगल में आदिवासियों के घर में चले जाएं तो एक बधना पर मनाता है, वहां भी देखिएगा शिव और गौरी का मूर्ति बनाकर वो नृत्य करता है, नाचता है, आनंद लेता है। तो शिव तो अखंड है, निर्विकार है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, है ना? लिखा हुआ है वेद में कि अखंड निर्विकार, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, अखंड है, निर्विकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। और परमात्मा में दो भेद होता है, ईश्वर और परमात्मा। परमात्मा कौन है? जैसे हम लोग यहाँ सब खड़े हैं, नारायण के रूप में हैं आप जो है मनुष्य नहीं, आप परमात्मा के रूप में हैं, क्योंकि राम भी तो जन्म लिया, कृष्ण ने भी तो जन्म लिया, पैगंबर भी तो जन्म लिया, ईसा भी जन्म लिया, गुरु नानक साहब भी तो जन्म लिया है, लेकिन आज सब उनको पैगंबर मानता है। उन्होंने आचरण किया, उन्होंने हमें एक जीने के समाज में संस्कार दिया, चलने के लिए रास्ता दिया, समझने के लिए ज्ञान दिया है, प्रकाश प्राप्त करने के लिए उन्होंने सदग्रंथों की रचना की, जिससे कि हम लोग उससे अभिभूत हुए, और उस अभिभूत के कारण आज संसार में लोग सारे अपने अपने मजमज में चल रहे हैं। तो जितनी भय उस पुस्तक से हमको समाज में मिला, आज अगर हर मानव अपने आप में ये समझ ले कि नहीं भाई, ये हमसे ज्ञानी है, वो हमसे बड़े हैं, ये हमसे छोटे हैं, तो ऐसी प्रथा हमारे यहाँ, ये जो हमारे यहाँ कुरीति अभी वर्तमान में आपने देखा, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फिर वही जमुना, वही गंगा, वही सरस्वती, वही सब मजहब की धारा बनेगी और सब एक विचार में जग जाएंगे। भारत बड़ा पवित्र देश है और भगवान शंकर की कृपा, भगवान तो तुलसी प्रभुपाद तुलसी जी महाराज रामचरितमानस में लिखा, स्पष्ट उन्होंने लिखा, बंदे बोध मयंग नित्यं गुरु शंकर रूपिनो यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंदे। तो सारे प्राणियों का गुरु कौन है? सारे जीव के गुरु कौन है? सारे संसार के गुरु कौन है? शिव है। बिना इनकी कृपा का कुछ भी नहीं हो सकता है।
जितनी भी विघ्न हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, सबको मेटने वाले हमारे शंकर हैं। और आज उनका आगमन हमारे यहाँ हुआ है, आज महाशिवरात्रि का व्रत है। इस व्रत को पालन करने से दैहिक, दैविक, भौतिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जितनी भी व्यथाएं हैं सब मिट जाती है। शिवरात्रि से क्या तात्पर्य? शिवरात्रि से तात्पर्य है कि भगवान का स्वरूप जो है, आज भगवान का अगर मैं उतनी सीप पर अगर गुणगान करूंगा तो मैं समझता हूं कि संध्या हो जाएगी हमारे पास। आपको मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं कि महाशिवरात्रि जो है ये सारे पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है, अधर्मों से मुक्ति दिलाता है, अज्ञानियों से मुक्ति दिलाता है, है ना। इसीलिए लोग जो है माँ पार्वती भगवान आज शादी करते हैं और सुबह विरान हो जाते हैं, समझ गया ना। इसकी महिमा बड़ा जटिल है, बृहद पुराण में वर्णन है, वो पुराण की मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ इसलिए कि समय का अभाव है। लेकिन जितने प्राणी अगर पांच कहते हैं कि अगर सी पाप हम अगर पाप को मिटाना है सिर्फ स्मरण करके, अगर आप रात्रि विश्राम करते हैं और अपने सज्जा पर सिर्फ पांच बार शिव की आराधना कर लें तो दिन की हुई जितनी भी पाप आपका है वह मिट जाता है। ऐसा संसार में हमारे भगवान शंकर ने प्राणियों के लिए अपना नाम दिया। जो आज तो ये तो पश्चिमी सभ्यता है ना, हमारे यहाँ हम नाम नहीं जपते हैं, नाम को अब अलग कर दिए हैं। आप पश्चिमी सभ्यता में जाके देखिए कि भगवान शंकर आज तो कृष्ण भी मान रहे हैं, विदेश भी मान रहा है सब। मेरा मैसेज यही है कि मैं समस्त भारतवासियों से, समस्त ग्रामीणों से, समस्त मैंने प्रांतीय वासियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो पवित्र संस्कार सदग्रंथों से मिला है इसमें वो अपना जरूर सम्मिलित हो, शांतिप्रिय उसको समझें, शांतिप्रिय उसको ज्ञान में लें। और जब उनकी वो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा और उनमें जब वो ज्योतिर्ज्ञान मिल जाएगी तो उससे अन्य लोग और प्रकाशित हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शिव की महिमा का मैं विराम देता हूँ। हमारे यहाँ जो शिव की कार्यक्रम है, आज महाशिवरात्रि है, ब्रात प्रस्थान 4:30 बजे होगी, संध्या में जो है नगर परिक्रमा होते मंदिर फिर प्रस्थान होगा, उसके बाद रात्रि में जो है रुद्राभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होने के बाद पुनः विवाह होगी, कल अमावस्या है, कल अमावस्या की हवन होगी, परसों जो आपका 23 तारीख का प्रोग्राम है, 23 तारीख को सुबह 11 बजे दिन से जो है अखंड हरि कीर्तन, अखंड रामायण, अखंड जप और खिचड़ी प्रसाद का आयोजन जब तक लोग आते रहेंगे तब तक चलते रहेगा और वह 24 घंटा तक चलते रहेगा। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी से जानना चाह रहे हैं कि महाशिवरात्रि के इस मौके पर कब से बढ़िया मुहूर्त है जो भक्तों के लिए शुभकारी होगा। शिवरात्रि जब त्रयोदशी और चतुर्दशी अर्धरात्रि में युक्त रहता है तभी शिवरात्रि होती है। इसमें शिव का पूजा किया जाता है, व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है और उनसे मनोकामना की इच्छा रहती है। जो भी भक्त इसको उपवास करते हैं और मनोकामना करते हैं वो स्वयं पूरा करते हैं, वे स्वयं सिद्ध हैं, उन्हें उनकी कोई आकार नहीं है क्योंकि उनका पूजा तो लिंग रूप में होता है। हो गई पर आप भारतवर्ष के सभी भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देंगे कि जो भी इसको मनोकामना से अपना पूरा करेगा, उस व्रत को करेगा, उसको लाभ होगा और सर्व धर्मों के लिए है, केवल हिंदू के लिए ही नहीं है, सब धर्मों का भलाई ही करते हैं, बुरा नहीं करते हैं। धन्यवाद।